स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने ग्राम पंचायत सलोह में जिला स्तरीय सहकारिता दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सहकारिता को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए जनता से सहकारिता क्षेत्र में कांगड़ा को मॉडल बनाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने 16 विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सलोह में जिला स्तरीय सहकारिता दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष डॉ. राजीव भारद्वाज ने की। जनसभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि सहकारिता को एक जन आंदोलन के रूप में अपनाने का संकल्प लेने की जरूरत है, जिससे जिला कांगड़ा को सहकारिता के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी सहकारी सभाएं नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। विपिन परमार ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास परियोजना में 39,61,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 147 सहकारी सभाओं को लगभग 30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। गाँव के लोगों को सॉफ्ट लोन देने का प्रावधान, लोगों की जीवन की आशा के रूप में वो सहकारी सभाएं काम कर रही हैं। और हिमाचल प्रदेश मैं देख रहा था कि कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के रंजीत राणा जी भी यहां पर बैठे हैं। बहुत सी भ्रांतियां पिछले दिनों में कई प्रकार की फैलाई गई, बैंक खत्म हो रहा है, बैंक को बचाने वाला कोई नहीं। सरकार में हम हैं, हमने कहा था लोगों की मेहनत का खून पसीने के की कमाई हुई वो राशि इस बैंक के कुल जमा में उन खातों में जमा हुई है, इसलिए ये बैंक डूबेगा नहीं, ये बैंक खत्म नहीं होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो पहले डायरेक्टर्स थे उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी क्षमता के अनुसार काम किया होगा, उन्होंने बहुत कुछ किया, पर जब नो नई व्यवस्था बनी है वो भी अधिक मेहनत से काम करें, तालमेल के साथ काम करें। अगर उनका कभी वर्षों के उपरांत समय कार्यकाल समाप्त हो तो लोग ये कहें कि जिनके हाथों में बागडोर संभाली थी दी थी उन्होंने इस सहकार के क्षेत्र में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को आगे खड़ा कर दिया। ये जिम्मेवारी इसीलिए मिलती है, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, गाड़ी के लिए नहीं, बंगले के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। हम राजनीति में मस्ती, राजनीति में हम गाड़ियों की सैर करने के लिए नहीं आए। वहीं कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक देश के शीर्ष 10 संस्थानों में है और भविष्य में बैंक को बुलंदियों पर ले जाने के लिए बैंक के सभी अधिकारी कर्मचारी परिवार के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारिता का जन्मदाता हिमाचल प्रदेश है और सहकारी क्षेत्र में प्रदेश को शीर्ष पर पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। जिस प्रदेश ने सहकारिता की मिसाल को उठाकर पूरे देश में लेकर गए प्रदेश इस क्षेत्र में मित्रों पिछड़ना नहीं चाहिए। आज कर्नाटक हमसे आगे जा रहा है, आज महाराष्ट्र हमसे आगे निकल रहा है। मुझे लगता है कि एक्सपोजर पुअर हमारे होते होंगे, कोशिश करूंगा यदि सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वहां जाकर देखने का कि वहां क्या ऐसा काम हो रहा है कि हम लोग पिछड़ रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स जाते होंगे एक्सपोजर टूर के ऊपर, तो मेरी आपसे भी प्रार्थना है और आपके सहकार से जुड़े हुए एक वित्तीय संस्थान का अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व भी बनता है, मेरी जिम्मेवारी भी बनती है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरुपजित निप्पे की रिपोर्ट।